Assalamualaikum, Discover Exclusive के साथ आई एम योर होस्ट अंबर कुरैशी. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे. टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस. ही इज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू स्कोर PhD इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट फ्रॉम स्पेन एंड हिज MPhil फ्रॉम स्विट्जरलैंड. सो और आजकल ये गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं एज अ टूरिज्म कंसल्टेंट, और इससे पहले वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के साथ भी काम कर चुके हैं. साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की टास्क फोर्स के ऑफ टूरिज्म कंसल्टेंट भी रह चुके हैं, उसके मेंबर भी रह चुके हैं. सो एक बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन है उनका. और इस वक्त ही इज़ ऑल्सो एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कामरान, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट. बहुत लंबा इंट्रोडक्शन है माशाल्लाह से आपका, और बहुत सारी बातें हैं जो टूरिज्म के हवाले से हमने आपसे करनी है. सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपने जिस तरह से पढ़ाई की टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ये कैसे आपने सोचा कि इन सब्जेक्ट्स का इंतखाब करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अंबर फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम. आपने पहला ही क्वेश्चन इतना इंटरेस्टिंग पूछ लिया कि मुझे थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा. अक्सर क्योंकि लोग ये सवाल मुझसे करते हैं कि आज क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो टूरिज़म के बारे में बात कर रहे हैं. ऑलमोस्ट हर जगह पे टूरिज़म का नाम चल रहा है, टूरिज़म और हॉस्पिटैलिटी का. लेकिन आज से 20 साल पहले इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी, तो और आप कैसे ये टूरिज़म के लिए चले गए? तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली साउथ पंजाब से है, मुजफ़्फ़रगढ़ से. मैंने अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन थी कॉलेज लेवल तक वो मुजफ़्फ़रगढ़ से हासिल की थी. उसके बाद मेरे लकीली एक बड़े भाई हैं जो कि ही इज़ अ ब्रदर लाइक अ फादर, तो वो मुझे गाइड करते रहते हैं थ्रू आउट माई लाइफ. तो उन्होंने उस वक्त मुझे सजेस्ट किया कि इंस्टेड, आपको पता है क्योंकि साउथ पंजाब होने की वजह से ट्रेंड यही होता है वहाँ पे कि हर बंदा या डॉक्टर बने या इंजीनियर. exactly. ना वो एक भेड़ चाल थी. तो उन्होंने कहा कि डू समथिंग डिफरेंट, और देट वॉज द फर्स्ट मोमेंट यू नो टू थाउजेंड वन. तो उन्होंने सजेस्ट किया कि वाई डोंट यू ज्वाइन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, दिस इज़ डायनामिक इंडस्ट्री है, इसमें जॉब वाइज बहुत अच्छा स्कोप है, प्लस फ्यूचर इज़ ब्राइट यू नो. तो फिर उन्होंने ही मेरे लिए एक स्विट्ज़रलैंड में स्कूल चूज़ किया जो वन ऑफ द बेस्ट स्कूल था, सीज़र रेट्स. और फिर उन्होंने कहा कि लेट्स यू नो स्टार्ट योर स्टडीज़ इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी फ्राम देयर. तो दिस इज़ हाउ आई एंडेड अप इन स्विट्ज़रलैंड. फिर मैंने स्विट्ज़रलैंड से टूरिज़म और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में इनिशियली डिप्लोमा किया, फिर उसमें मैंने बैचलर किया, फिर मैनेजमेंट में MPhil किया. तो मैं 10 साल तकरीबन स्विट्ज़रलैंड में रहा जहाँ पे मैंने टूरिज़म इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपनी एजुकेशन की और वहाँ पे काम भी किया. अच्छा, तो आपने साथ ही साथ आपने PhD भी कर लिया. यू आर द फर्स्ट पाकिस्तानी जिसने PhD की है इन टूरिज्म एंड इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट. तो कैसे ये ख्याल आया कि MPhil तो कर ही लिया है, 10 साल भी गुजार लिए स्विट्ज़रलैंड में, अब हमें PhD भी करनी है, एंड उसके बाद क्या सोचा था आपने? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज़ बीन काइंड. मैंने जब बताया आपको कि स्विट्ज़रलैंड से 10 साल गुजारे, काम किया और तालीम भी हासिल की, देन आई डिसाइडेड टू गेट बैक टू माय कंट्री. आई वांटेड टू सर्व इट, यू नो. मैंने कहा कि जो स्विट्ज़रलैंड है तो व्हाई नॉट पाकिस्तान, पाकिस्तान को स्विट्ज़रलैंड बनाया जाए. तो ये एक एम्बिशन लेके मैं वापस आया. आई जॉइन पंजाब यूनिवर्सिटी, इनका टूरिज़म और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट था. हम फर्दर इसमें एजुकेशन को जो है वो प्रमोट करना चाहते थे. आपको पता है कि जो टूरिज़म इंडस्ट्री है इसको अगर आपने उस लेवल पर ले जाना है जहाँ पे आज प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, सेक्टर से एक इंडस्ट्री बनाना है, सो यू नीड प्रोफेशनल फॉर दैट. और जो प्रोफेशनल्स हैं वो टूरिज़म इंस्टीट्यूट और जो कॉलेजेस हैं वो प्रोड्यूस करते हैं. तो इसी की उसमें कि अगर आपने यूनिवर्सिटी में मज़ीद प्रोग्राम स्टार्ट कराना है MSc MPhil, तो देर हैज़ टू बी समवन हु हैज़ टू डू PhD. तो उसमें पाकिस्तान में इतना आपको पता है कि इस लेवल पे इसको ज़्यादातर लोग इसको नहीं लेते थे सीरियसली, तो तालीम के ऑप्शंस नहीं थे यहाँ पे. अब मैंने PhD करनी थी तो इस वजह से पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो मैंने स्पेन को चूज़ किया. वेरी नाइस रीज़न बिहाइंड इट कि एक तो स्पेन
when it comes to tourism, we all know Spain stands number one, you know. जितनी उनकी आबादी है उससे ज़्यादा हर साल international tourists वहाँ पर आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा. तो मैंने फिर ये स्पेन को चूज़ किया और मैंने अपने सुपरवाइजर से बात की कि इवन दो मैं PhD यहाँ पर कर रहा हूँ लेकिन जो मेरा टॉपिक है यूजली सस्टेनेबल टूरिज्म मैनेजमेंट के हवाले से था, तो जो जियोग्राफिकल लोकेशंस होगी मेरी रिसर्च की वो पाकिस्तान होगी. तो आई वांटेड टू मेक इट प्रोडक्टिव कि अगर मैं रिसर्च करता भी हूँ यहाँ पे कोई चीज़ सीखता भी हूँ तो वो वापस पाकिस्तान जाकर मैं जो हमारी अपनी लैंड है वहाँ पर मैं वो अप्लाई कर सकूँ. तो दिस इज़ हाउ आई एंडेड अप डूइंग PhD फ्रॉम स्पेन. वेरी नाइस. और उसके बाद आपने PhD करके पाकिस्तान में वापस आ चुके हैं, तो यहाँ पर एकेडमिक्स में टूरिज़म की प्रमोशन के लिए फ़रूग के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है आपका. मैं हमेशा आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दिस थिंग कि हमारे यहाँ इस वक्त हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को सीरियसली नहीं लिया जा रहा. इवन पास्ट में आपको पता होगा कि टूरिज्म इंडस्ट्री कभी रेलवे को दे दी जाती थी, कभी PIA को दी जाती थी. इसको टूरिज्म इंडस्ट्री को इस लेवल पर ले जाना वो एक चैलेंजिंग टास्क था. लकीली वी हैव अ गुड गवर्नमेंट, वी हैव गुड प्राइम मिनिस्टर हेयर हू ऑलवेज टॉक्स अबाउट टूरिज्म. आपने देखा होगा कि रिसेंटली भी वो डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाते हैं, खुद एक्सप्लोर करते हैं. और गवर्नमेंट की जो टॉप प्रायोरिटीज़ हैं उसमें ऑलमोस्ट टूरिज्म जो है वो नंबर 3 के ऊपर है इस वक्त में. बिल्कुल. तो हमारा ये है, ये बिलीव है कि जब तक हम अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को इस लेवल पे नहीं लेकर जाएंगे जहाँ पे हम अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकें, जहाँ पे अच्छा स्किलफुल हम लेबर फोर्स प्रोड्यूस कर सकें जो इंडस्ट्री को सर्व कर सके, उस वक्त हम कामयाबी टूरिज्म में नहीं ले सकते. अब उसके लिए गवर्नमेंट एंड पे भी काम हो रहा है और प्राइवेट एंड पे भी. जैसे हमारे यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी टूरिज़म में डिग्री ऑफर कर रही है MSc की. सोन पंजाब यूनिवर्सिटी जो है बैचलर इन टूरिज़म, जो BS ऑनर्स हैं टूरिज़म में, वो ऑफ़र करने लगे हैं. इसी तरह मल्टीपल अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसमें BS और MS के प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं. इसी तरह प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं काफ़ी सारे, जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट के कुछ इंस्टीट्यूट हैं और कुछ प्राइवेट जो डिफरेंट डिप्लोमास और सर्टिफिकेट इश्यूज़ कर रहे हैं. तो इसमें काफ़ी सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलके एक ह्यूमन रिसोर्स तैयार कर रहे हैं जो इस इंडस्ट्री के लिए काम आएगा. बट स्टिल आई बिलीव देर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड. अभी जितने कर रहे हैं इसको गवर्नमेंट को मज़ीद इस पर फोकस करने की ज़रूरत है और मज़ीद ऐसे प्रोफेशनल प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है जो इस इंडस्ट्री को इंशाल्लाह उस लेवल तक ले जाएंगे जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ड्रीम कर रहे हैं. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और इंशाल्लाह होपफुली ऐसा ज़रूर हो जाएगा. अच्छा मुझे बताएं, एज अ टूरिज्म प्रोफेशनल एक्सपर्ट, पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है टूरिज्म का और अभी क्या क्या काम हो सकता है, क्या होना बाकी है? पाकिस्तान अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है हमारे लिए. ये एक ऐसी ज़मीन है कि अगर आपने एक रेसिपी देनी है तो अल्लाह हैज़ गिवन अस ऑल द इंग्रेडिएंट्स टू मेक दिस रेसिपी. अब सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि हम इसको इम्प्लीमेंट करें. देखिए ये इतनी डाइवर्सिटी है हमारे मुल्क में, पाकिस्तान के अंदर आपको दुनिया में कम ममालिक में मिलती है. अगर आप इसकी लैंडस्केप देखें, सबसे पहले इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन देखें, इतनी वाइटल जियोग्राफिकल लोकेशंस है कि उसके टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमारे पास सिर्फ ये लोकेशन भी हो तो हम इससे कई गुना ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट कर सकते हैं. अगर उसमें देखा जाए पाकिस्तान के अंदर तो हमने क्या किया है, इसको डिफरेंट टूरिस्ट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है. तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एडवेंचर के लिए आपका पूरा नॉर्दर्न एरिया भरा पड़ा है. आपके हाईएस्ट पीक्स हैं जो 8000 मीटर से ऊपर, जो टोटल 14 पीक्स हैं उसमें से 5 पीक्स आपकी GB में अंदर हैं, वो इतनी ज़्यादा हैं. उसके अलावा आप देखें आप में वैलीज, स्ट्रीम्स, आप कोल्ड डेजर्ट आप देख लें, उसके अलावा आप ग्लेशियर्स, इतने लंबे लंबे ग्लेशियर्स हैं हमारे, जो बलूतूरा ग्लेशियर्स है उसकी लंबाई मोर देन 60 किलोमीटर्स है, और ऐसे 2-3 ग्लेशियर्स हैं. आप इधर साउथ में आ जाएं आपके यहाँ डेजर्ट आपको मिलेंगे. सेम जो आपका एक मंथ होता है उसमें आपको मुल्क की एक साइड पे और मौसम मिल रहा होता है, मुल्क की दूसरी साइड पे आपको दूसरा मौसम, डिफरेंट मौसम मिल जाता है. एक ही वक्त में आपके पास इतनी ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं. उसके बाद आप अगर आर्कियोलॉजिकल साइट्स की बात करें, हेरिटेज साइट की बात करें, आपके यहाँ पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक सूबा है हमारा KP,
इसमें जो बुद्धिज्म है इसकी मोर देन 6000 साइट्स अवेलेबल हैं. और देन इट कम्स टू सिखिज्म, जो रिलीजियस टूरिज्म की बात करते हैं वो. उसके बाद कल्चर आपका इतना रिच कल्चर है. सिविलाइजेशन की बात करें आपकी, गंडारा, मोहनजोदड़ो, ये इंडस सिविलाइजेशन, इतनी ओल्ड सिविलाइजेशन है आपके पास. उसके बाद आपका कल्चर इतना स्ट्रांग है. आप फूड की बात करें, इवन और इतनी ऑप्शंस हैं हमारे पास. तो इतनी डाइवर्सिटी है हमारे पास जो एक जगह पे कहीं और शायद आपको ना मिले. तो इस सब को एक्सप्लॉयट करने के लिए हमने ये गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट कैटेगराइज कर ली है टूरिज्म की. फॉर एग्जांपल एडवेंचर टूरिज्म है हमारे पास, कल्चर एंड हेरिटेज टूरिज्म है हमारे पास, रिलीजियस टूरिज्म है. तो उस हवाले से गवर्नमेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन बना रही है और उसके हिसाब से डिफरेंट टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रही है. अच्छा, आपने गवर्नमेंट की बात की और गवर्नमेंट के इकदाम की, बहुत सारे इकदाम की बात की. आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो टूरिज्म टास्क फोर्स है उसके मेंबर भी रह चुके हैं और साथ ही साथ टूरिज्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड के मेंबर भी रह चुके हैं. तो मुझे ये बताइए कि ये तमाम तर चीज़ें क्या हैं एक्चुअली, क्या काम हुआ है ये दोनों, अगर हम इनसे स्पेसिफिकली इन दोनों चीज़ों की बात करें, दोनों प्लेटफॉर्म्स की बात करें, तो यहाँ पर क्या कर रही है गवर्नमेंट? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान एक लकी मुल्क है जिसको इस दफ़ा ऐसा प्राइम मिनिस्टर बनाए मिला है जो टूरिज्म के हवाले से बहुत सीरियस है. ट्रू. तो जैसे ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एज अ प्राइम मिनिस्टर हलफ लिया, उन्होंने अपनी एक टूरिज्म टास्क फोर्स बनाई जिनके चेयरमैन वो खुद थे, मैं भी उसका हिस्सा था. हम लोग वहाँ पे गए तो प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले तो अपनी वीएन साहब ने रखी और बताया कि या देखें कि ये पाकिस्तान के बारे में मेरी वीएन है. अब आप लोग बीइंग प्रोफेशनल, बीइंग एक्सपर्ट, आपने इसको यू हैव टू यू नो इंश्योर दैट दिस वीएन हैज़ टू कम थ्रू. तो उसके हवाले से फिर उन्होंने एक नेशनल टूरिज्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड बनाया जिसमें डिफरेंट प्रोफेशनल, जैसे मैंने आपको बताया ना कि टूरिज्म की डिफरेंट कैटेगरीज की गई हैं, इसी तरह हर कैटेगरीज के फर्दर जो एक्सपर्ट थे वो उसमें डाले गए. लेट्स से अगर कोई बंदा रिलीजियस टूरिज्म का एक्सपर्ट था तो उसको उस ग्रुप में डाला गया, कोई एडवेंचर टूरिज्म का एक्सपर्ट था तो उसको डाला गया, कोई पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी का था, इस तरह करके उसको फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया. और उनका अब काम ये था कि वो एक तो पाकिस्तान को एज अ सिंगल ब्रांड दुनिया में मुतारफ़ करवाएं, बल्कि मुतारफ़ तो है बल्कि इसको मज़ीद इस तरह प्रेजेंट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं. उसके अलावा एक ऐसी पॉलिसी और स्ट्रेटजी बनाएं जिससे गवर्नमेंट अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होनी चाहिए, गवर्नमेंट के रेवेन्यू में इजाफा होना चाहिए और गवर्नमेंट का जितना भी टूरिज़म के जितने कंसर्न हैं वो इम्प्रूव करने चाहिए. अगर कोई ऐसी हर्डल्स हैं टूरिस्ट के लिए वो रिमूव करनी चाहिए. जो वीज़ा प्रोसेस है उसको स्मूथ किया जाए क्योंकि वीज़ा प्रोसेस का इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए काफ़ी इश्यूज आते थे. और ऐसी पॉलिसी और स्ट्रेटजी बनाई जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को फैसिलिटेट किया जाए. और उसके अलावा एक पूरा थ्रू आउट ईयरली कम्युनिकेशन प्लान भी बनाया जाए जिसमें डिफरेंट इवेंट्स रखे जाएँ. तो इस पर ये दोनों काम कर रहे हैं. लेकिन आपको पता है कि 18वीं तरमीम के बाद जो टूरिज़म है वो बेसिकली प्रोविंशियल सब्जेक्ट है. तो जो प्रोविंसेस हैं उनको अपनी ऑटोनमी हासिल है और उनके पास ज़्यादा पावर होती है कि वो लोग जो चीज़ अपनी डिसाइड करना चाहते हैं कर लेना. तो इस पे मल्टीपल स्ट्रेटेजी और पॉलिसी और ब्रांडिंग लेवल पे टॉप पे काम हो रहा है. आपके साथ इंटरेस्टिंग बातों का सिलसिला जो है वो हमारा चलता रहेगा, लेकिन अभी हम एक छोटे से ब्रेक पर जाना है. कीप वॉचिंग डिस्कवर एक्सक्लूसिव, कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान. वेलकम बैक टू डिस्कवर एक्सक्लूसिव विद योर होस्ट अंबर कुरैशी. और बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हम डॉक्टर कामरान के साथ कर रहे हैं जो कि टूरिज्म कंसल्टेंट हैं, पाकिस्तान की मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं. तो बातों का सिलसिला एक दफ़ा फिर से शुरू करते हैं. टेक्निकली हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर आगे जा रही है और बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाह रही है टूरिज्म को. मुझे ये बताइए कि आपने एज अ वर्ल्ड बैंक कंसल्टेंट भी खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के साथ काम किया है, तो उधर आप क्या प्रोजेक्ट्स लेकर आए और क्या एक वहाँ पर स्ट्रैटेजी आप लोगों ने बनाई? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं. देखें, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था जब आए थे कि हमारी इंशाल्लाह कोशिश है कि हम नए रिजॉर्ट्स बनाएंगे, नए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनाएंगे. क्योंकि हुआ यूँ है कि आपकी जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जो आपकी एग्जिस्टिंग डेस्टिनेशंस हैं वो ऑलरेडी सैचुरेटेड हैं. अब आपको चीज़ चाहिए कि जो आपका इन्फ्लक्स आता है हर साल स्पेशली समर में, उसको अकोमोडेट, उसको केटर करने के लिए आपको नई जगह चाहिए. तो उसके लिए स्पेशली केपी की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था कि हम एटलीस्ट जो हमारे 5 साल का टेन्योर है तो इसमें हम कोई 20 नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे कम्प्लीटली ना. उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने केपी गवर्नमेंट के साथ तआमुन किया, उन्होंने फंडिंग की
और केपी गवर्नमेंट ने डिफरेंट लोकेशंस पे नई डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई की. उस आइडेंटिफाई करने के बाद वहाँ पे एक प्रोसेस है उसका कंप्लीट, जिसमें यह था कि गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करेगी एक प्लेस, उसके बाद एक कंपनी आएगी जिसको एक्सपीरियंस होगा उसमें. और इस दफ़ा केपी गवर्नमेंट की ये कोशिश थी, लेट्स से अगर हम कोई एक डेस्टिनेशन बनाते हैं स्की रिजॉर्ट की, तो ऐसी जगह से कोई कंपनी आए जिसका इंटरनेशनली एक्सपीरियंस हो, तो उसके हवाले से इन्होंने इंटरनेशनल कंपनीज अट्रैक्ट की हैं. वो कंपनीज आके फिजिबिलिटीज बनाएंगे और वो फिजिबिलिटीज की एक कंप्लीट मास्टर प्लान जब आ जाएगा तो उस पर फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, डिफरेंट इन्वेस्टर्स आएंगे और एक अपनी अपनी जो जो इंटरेस्ट होगा, किसी का होटल्स का है, किसी का एक्टिविटीज़ का है, किसी का रेस्टोरेंट्स का, वो बनाएंगे. तो आपको एक कंप्लीट डेस्टिनेशन मिल जाएगी. केपी गवर्नमेंट जो नई डेस्टिनेशन पे काम कर रही है, आई गेस उसका नाम उन्होंने रखा है इंटीग्रेटेड टूरिस्ट जोन, और वो एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है काइट, उसमें वो ये सारा बना रहे हैं. यानी कि बेहतरीन बात ये है कि अब इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हम देख रहे हैं कि चीज़ें डेवलप हो रही हैं और टूरिज्म को भी आप इस तरह से प्रमोट करेंगे. गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी आप एज अ टूरिज्म कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, तो GB में क्या नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, वहाँ पर क्या प्लानिंग्स चल रही हैं? देखिए, पाकिस्तान में हमें इस बात का अंदाज़ा है, जब भी टूरिज़म की बात आती है तो गिलगित बल्तिस्तान सबसे पहले सबके जहन में आता है. इवन आजकल जो समर सीज़न चल रहा है, तो आप अंदाज़ा करें कि सारे लोग जिससे भी पूछे कहाँ पे जाना है, तो वो हमेशा आपको कहेगा कि GB में जाना है. और इस वक्त GB गवर्नमेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की हुकूमत है, हमारे वहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब हैं जिनका नाम है खालिद खुर्शीद साहब, यंग डायनामिक पर्सनैलिटी हैं, वो टूरिज़म पे बहुत ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं. और सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी जो VN है चीफ मिनिस्टर की और प्राइम मिनिस्टर की, वो एक दूसरे से अलाइन है. दोनों ज़्यादातर जो इको टूरिज़म है, सस्टेनेबल टूरिज़म है, उस पर काम कर रहे हैं. दोनों की ये ख्वाहिश है कि मैस टूरिज़म को डिस्करेज किया जाएगा. केपी में GB में एक सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का. वो है देखिए, सप्लाई एंड डिमांड होती है टूरिज़म में भी ना, ज़्यादातर जो सप्लाई एंड है वो मिसिंग है हमारे यहाँ. अब हुआ क्या है कि GB के अंदर जो एकोमोडेशंस हैं वो इतनी अवेलेबल नहीं हैं, रीज़नेबल अकोमोडेशन, जितना इन्फ्लक्स टूरिस्ट का आ रहा है. Yes. तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है GB गवर्नमेंट में कि हम एक प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे जिसका नाम है होम स्टे. इस प्रोजेक्ट में बेसिकली जो एक्सपीरियंस होना है वो है लिव विद लोकल्स. तो आप जो लोकल्स लोग होंगे उनको GB गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, वो फंड लेके गवर्नमेंट से अपने घर के साथ एक या दो गेस्ट रूम्स बनाएंगे, और वो सारे जो गेस्ट रूम्स होंगे वो गवर्नमेंट एक पोर्टल से ऑपरेट कर रहेगी. तो आप उसको बुक करा के आप लोकल्स के साथ रहने का एक्सपीरियंस ले सकते हैं. और वो लोकल जो होंगे उनका इंटरेस्ट ये होगा कि वो इससे अपने फाइनेंशियल जो बेनिफिट्स हैं वो ले रहे होंगे. टूरिस्ट के लिए ये होगा कि उनका कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है, प्लस अच्छी जगह पे जा रहे हैं. इसी तरह GB गवर्नमेंट एक विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर रही है, और उसकी तरह बाकी सारी जितनी छोटी चीज़ें हैं जिसमें वो इंश्योर कर रहे हैं कि सेफ्टी और सिक्योरिटी का इंश्योर किया जाए, जो GB की जो टूरिज़म पुलिस है उसको ज़्यादा बेहतर किया जाए, मुख्तलिफ जो नेसेसरी आइटम्स होती हैं, जैसे रोड साइड पे आपको रेस्ट एरियाज चाहिए, वाशरूम्स चाहिए क्लीन, वो वाले, अगर कोई पेट्रोल पंप के हैं, तो GB गवर्नमेंट ये इंश्योर करने की कोशिश कर रही है कि जो भी हमारी तरफ आए, पाकिस्तान से आए या पाकिस्तान के बाहर से टूरिस्ट, वी विल इंश्योर के उनका जो स्टे है हमारे पास, इट हैज़ टू बी कम्फर्टेबल. वो जो एक्सपीरियंस लेने आ रहे हैं वो एक्सपीरियंस हम उनका इतना अच्छा बनाएं कि वो वापस अपने जाके फैमिली फ्रेंड्स सब से शेयर करें. तो वी विल इंश्योर देयर एक्सपीरियंस विद अस इज़ कम्फर्टेबल, इंजॉयबल एंड मेमोरेबल. वेरी नाइस. और जिस तरह से आपने कल्चरल एक्सचेंज की बात की है और लोकल जो कम्युनिटी है उनके साथ रहने की बात की है, दिस इज़ रियली इनकरेजिंग. मेरा ख्याल है कि जो भी ये सुनेगा वो एक दफ़ा जाके एक्सपीरियंस जरूर करना चाहेगा. लेकिन यहाँ पर आपने एक टर्म इस्तेमाल की इको टूरिज्म की, पूरी दुनिया में इको टूरिज्म के हवाले से बात हो रही है, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करते हैं कि इको टूरिज्म एक्चुअली है क्या और क्या हमारी गवर्नमेंट इस हवाले से सोच रही है? देखिए, मैंने जैसे बताया, प्राइम मिनिस्टर ने जब टूरिज्म टास्क फोर्स बनाई और हमें बुलाया और वहाँ पे उन्होंने अपनी VN पेश की, तो उस VN का एक एलिमेंट सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि हम पाकिस्तान के अंदर इको टूरिज़म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और मैस टूरिज़म को डिस्करेज करें. अच्छा, इको टूरिज़म बेसिकली क्या है, अगर सादा अल्फाज में मैं समझाऊं तो इसके दो हिस्से होते हैं.
एक हिस्सा ये होता है कि आपने ये बात का इंश्योर करनी है कि जो आपका इन्वायरमेंट है, जो आपका एटमॉस्फेयर है, जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है, जो आपका ग्रीन लैंड्स है सारे, आपने इनको प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, इनकी हिफाजत करनी है सब तरीके से। दूसरा आपने ये इंश्योर करना होता है कि जो आपके लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, उनके लिए कोई ना कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी आपने रेज करने होते हैं। क्योंकि मैं आपको ये बता दूँ कि आप अगर सस्टेनेबल टूरिज्म किसी भी जगह पे सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलप करना चाह रहे हैं, तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपकी डिसीजन मेकिंग में और बेनिफिट्स में आपकी जो लोकल कम्युनिटी है वो कंटिन्यूसली इन्वॉल्व है। अगर आप लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो आप भूल जाएं, आपका सस्टेनेबल टूरिज़म कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए गवर्नमेंट, स्पेशली इमरान खान साहब, इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि हम इको टूरिस्ट को इको डेस्टिनेशन बनाई जाए। आपने देखा होगा काफ़ी सारे नेचुरल पार्क हैं, उन्होंने नेचुरल पार्क पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, और उसके अलावा वो जहाँ पे भी जाते हैं वो ये इंश्योर करते हैं। अभी वो नारान कागान यस्टरडे गए हुए थे, वहाँ पे उन्होंने जो दरिया था उसके साथ मज़ीद दरख्त लगाने का कह रहे हैं, प्लस फिशेज़ के लिए वो कह रहे हैं कि इसको किस तरह बेहतर अंदाज में हम फिश कैचिंग जो होती है इसको ऑर्गेनाइज़ करें, ताकि इससे ये है कि लोकल लोगों का भी फ़ायदा हो, टूरिस्ट भी इंजॉय कर सकें, और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी बिल्कुल सिक्योर रहे। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन बात की आपने, स्पेशली इको टूरिज्म से रिलेटेड और लोकल कम्युनिटी को ऊपर लेके आने से रिलेटेड, एंड वी रियली होपफुल कि ऐसा ही हो इन फ्यूचर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आपने उनके बार बार नाम लिया, उनका जिक्र किया, जब भी वो जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, वो कंपेयर करते हैं पाकिस्तान को टू स्विट्ज़रलैंड, एंड यू हैव बीन टू स्विट्ज़रलैंड, तो आप मुझे बताइए कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं व्हेन इट कम्स टू टूरिज़्म। देखिए, आपने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन किया, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है जब कोई एक महीना पहले प्राइम मिनिस्टर साहब जीबी गए थे, तो उन्होंने एक पैकेज अनाउंस किया था, और अपनी तकरीर में उन्होंने ये बात कही थी कि जो जीबी है वो मुझे स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा खूबसूरत लगता है। yes, और मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर स्विट्ज़रलैंड 80 बिलियन डॉलर टूरिज़म से कमा रहा है, तो जीबी अगर 80 बिलियन ही कुछ ना कुछ इसको इतना कमाना चाहिए कि ये खुद सस्टेनेबल हो। देखें, अल्लाह ताला ने जो स्विट्ज़रलैंड को खासियत दी है उससे कहीं कई गुना ज़्यादा जीबी को खासियत दी है। जीबी में जो माउंटेन्स की डाइवर्सिटी है, जीबी में जो लेक्स की डाइवर्सिटी है, जीबी में जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, स्पेशली रोड्स का, वो भी पहाड़ों के अंदर और इतने ख़तरनाक किस्म के, तो ये जो एडवेंचर टूरिस्ट हैं उनके लिए एक जन्नत है। बिल्कुल, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि इसको अगर हम स्विट्ज़रलैंड से कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस है। देखिए, जीबी में हर चीज़ नेचुरल है, इस वक्त अल्लाह ने जिस तरह बनाई थी उसी तरह ही है। मेरे ख्याल में पता नहीं किस दौर में अल्लाह ने बनाई थी, किसी और ने हिम्मत नहीं कि इसको चेंज करने की आज तक, तो टोटली स्विट्ज़रलैंड ने क्या किया, स्विट्ज़रलैंड जो आप देखते हैं वो तकरीबन 60% आर्टिफिशियल नेचुरल है। क्या मतलब कि उन्होंने जो आपको ये दरख्तों की शेप और ये जो मुख्तलिफ जगह पे खूबसूरती लगती है वो उन्होंने मैन मेड है, प्लान करके इस तरह दरख्त लगाए गए हैं, इस तरह बनाए गए हैं कि वो इतना खूबसूरत लगे। हमारे यहाँ हमने अपने जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं, माउंटेन्स हो गए, लेक्स हो गए, वाटरफॉल्स हो गए, आबशार हो गए, ये जितने भी हैं, वैलीज़ हो गई, मेडोज़ हो गए, इनको कभी हमने उस तरीके से प्रिजर्व और कंजर्व नहीं किया यहाँ पे। ये जैसे अल्लाह ने एक रॉ हमें नेचुरल एक चीज़ दे दी थी, वैसे ये रॉ ब्यूटी है, रॉ ब्यूटी है। अब हमने क्या करना है, देखें, स्विट्ज़रलैंड शायद हम इतना जल्दी ना बना सकें, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि कम अज़ कम हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव करें, लोगों की एक्सेस आसान की जाए, लोगों को अच्छी अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाए। अब मैं आपको बताऊं, जो जीबी में टोटल इस वक्त हमारे पास अवेलेबल रूम्स हैं वो 4000 रूम्स हैं, ठीक है ना, और छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार जो भी उसमें टोटल रूम्स, और अगर 3 स्टार करें तो वो हार्डली 100 रूम्स हो गए हमारे पास। और इसका रकबा जो है जीबी का, ये है 72,000 स्क्वायर मीटर, और इस डबल द साइज ऑफ स्विट्ज़रलैंड रकबे में, और जो आबादी है वो सिर्फ 15 लाख है, स्विट्ज़रलैंड की 8.5 मिलियन 85 लाख है। तो इसमें जो टोटल रूम्स हैं वो हमारे पास 4000, और जो 3 स्टार हैं वो 3000 हैं, जबकि स्विट्ज़रलैंड में जो 5 स्टार रूम्स हैं वो 1.5 लाख रूम्स हैं।
देखिए, अगर आपने इतने पैसे कमाने हैं तो इसमें मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स डालने होंगे। आपने लोगों को अच्छी अकोमोडेशन देनी होगी, आपने एक्सेस को आसान बनाना होगा, आपने लोगों को अच्छी फूड मुहैया करनी होगी, आपने लोगों को अच्छी एक्टिविटीज़ देनी होगी, ताकि कोई बंदे हैं तो लोगों को इंगेज करना होगा। जब आप ये चीज़ें इंगेज कर लेंगे तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है, इंशाल्लाह जो हमारा जीबी है वो स्विट्जरलैंड से आगे निकल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से आपने उनकी इकोनॉमी की बात की कि 80 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है स्विट्जरलैंड की टूरिज्म से रिलेटेड, तो आप क्या समझते हैं कि इन फ्यूचर, चलो 80 बिलियन नहीं, 10-15 बिलियन की हम जो है वो थोड़ी सी कर सके अपने टूरिज्म से रिलेटेड, पाकिस्तान इतना तरक्की कर सके? दिस इज़ द गोल। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि आप चीफ मिनिस्टर साहब को कि आप इंश्योर करें कि आपकी जो GDP है उसमें इनफ कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए टूरिज्म की, और नेक्स्ट ईयर जो है उसमें हम कर सकें। देखिए, हमारी कोशिश है कि अगर हमने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को दे दिया, एकोमोडेशन अच्छी दे दी, ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए तकरीबन मुझे एक छोटी सी रिसर्च हमने की थी तो उससे ये अंदाज़ा हुआ था कि अगर आप टोटल जितनी इन्फ्लक्स है टूरिस्ट का GB में जाता है, उसके लिए आपको 75,000 रूम्स की ज़रूरत है, और अवेलेबल हमारे पास हैं कितने, 4,000। तो अगर हम इसका नंबर बढ़ा लें, जैसे हुकूमत एक साइड से काम कर रही है होम स्टे प्रोजेक्ट के ऊपर, जो उनका मिशन है कि अगले 5 साल में वो कोई 10,000 रूम इनक्रीज करेंगे, इसी तरह हुकूमत इनक्रेज कर रही है प्राइवेट लोगों को कि आप आएँ, इसमें बहुत ज़्यादा गैप है, आप इन्वेस्ट करें हॉस्पिटैलिटी में, क्योंकि इस वक्त कंपटीशन इतना नहीं है, जो एक दो होटल हैं उनकी मोनोपोली है, और आप उनके रेट चेक करें तो आप अंदाज़ा नहीं करेंगे कि वो कितने एक्सपेंसिव हैं। yes, तो जब कंपटीशन होगा ज़्यादा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आएगी, गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करेगी, और आपका जो नंबर ऑफ़ रूम्स हैं वो बढ़ जाएंगे, उसके साथ गवर्नमेंट ये इंश्योर कर दे कि वहाँ लोगों को इंगेज करे, एक्टिविटीज़ दे, तो इंशाल्लाह हम पैसे कमाएंगे। तो जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, अभी तो हमारे पास उतने होटल्स नहीं है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो क्या अगर एक्चुअली पूरी दुनिया में जिस तरह से बात की जा रही है कि पाकिस्तान एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, नेक्स्ट इतने लोग अगर आ जाते हैं, क्या आप उन्हें अकोमोडेट कर सकते हैं? हमने फिर टॉक अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट बोथ। जिसको लोग खुश हो रहे हैं कि इंटरनेशनल मैगजीन, फ्रेंच मैगजीन, फोर्ब्स, ब्रिटिश बैकपैकर स्ट्रेटजी, मल्टीपल पाकिस्तान को नेक्स्ट बिग टूरिस्ट डेस्टिनेशन डिक्लेयर कर रहे हैं, और काफ़ी लोग इसको उससे खुश हो रहे हैं, मैं उतना कंसर्न्ड हूँ बीइंग प्रोफेशनल्स। अच्छा। मैं इसलिए कंसर्न्ड हूँ कि मेरे ख्याल में ये हमारे लिए इस वक्त इतना बड़ा चैलेंज नहीं है कि पाकिस्तान की ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन की जाए। क्यों, रीज़न बिहाइंड इट कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग इन्फ्लक्स है, जो डोमेस्टिक टूरिस्ट का है, वही इस वक्त टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे अकोमोडेट करना मुश्किल हो रहा है। हमारे यहाँ सप्लाई साइड मिसिंग है, हमारे यहाँ अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, फ़्लाइट्स मुश्किल से एक दो हैं, अभी हुकूमत बढ़ा रही है, वो इतना इस लेवल तक नहीं पहुंचा, रोड का जो है एक्सेस जो है वो इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं है, प्लस अच्छी अकोमोडेशन नहीं है। तो अगर आप, मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि सबसे पहले आपने अपना घर बनाना है, घर में सारे इक्विपमेंट्स रखने हैं, आपके पास सोफ़ा भी है, एसी लगा हुआ है, बाथरूम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके बाद आप किसी को बुलाएंगे। हमारे पास अगर हम इस तरह आप बाहर से लोगों को बुला लेंगे तो रादर देन कि वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस लेकर जाएं, समथिंग नेगेटिव एक्सपीरियंस लेकर जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा हमें काम करने की ज़रूरत है सप्लाई साइड पे, हम इस बात को इंश्योर करें कि जितने ये लोग आ रहे हैं इनको अकोमोडेट करने के लिए हमारे पास इनफ अकोमोडेशन है, फूड के मैनेजमेंट हमारे पास प्रॉपर है, और हमारे पास जितनी भी अदर फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी हैं। अगर वो हो गई तो हमारे लिए ये अच्छा होगा, अगर ना हुई तो मुझे डर है कि ये जितने लोग आएंगे बुरा एक्सपीरियंस लेकर ना जाएं। लेकिन आप उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस है इस वक्त टूरिज्म को लेकर, और बहुत ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर भी बहुत ज़्यादा फोकस दें, तो आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में हम बहुत बेहतरी लेकर आ सकते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में और अपनी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंदर? बिल्कुल 100% मैं मुतमैन हूँ, और क्योंकि मैं बीइंग प्रोफेशनल इसको क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, वो लोग आ रहे हैं, इंगेज हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो लोग ढूंढ रहे हैं कि हम किस तरह KP में, GB में, टूरिज़्म में इन्वेस्ट करें, किस तरह हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में करें, इवन हमारे अपने जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो आ रहे हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो मुझे इसमें कोई दूसरी राय नहीं लगती कि पाकिस्तान इंशाल्लाह
is going to be next big destination of tourism. We are very hopeful that aap se baat karne mein itna maza aa raha hai, itna interesting hai aapke saath information sharing karna ke dil nahi kar raha ki program ko hum ending ki taraf leke jaye, lekin kyunki hamare paas time short hai, mujhe sabse aakhri sawal aapse karna hai aur aapse ye puchna hai ki aap jante hain ki Discover Pakistan ek pehla tourism TV channel hai aur hum jis tarah se Pakistan ka ek positive image puri duniya ko dikhane ki koshish kar rahe hain tourism ke hawale se, is effort ko aap kis tarah dekhte hain? Ye mere khayal mein it was long due. Ye Dr. Saab ne bahut acha initiative liya hai. Iski aapko importance main aapko bataun. Dekhen hum jaisa ki maine bataya government ek end pe kaam kar rahi hai, government supply side pe nayi destinations ban rahi hain, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि नए रिजॉर्ट बनाए जाएं, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दिया जाएं। अब ये जितनी डेस्टिनेशन है, जितनी फैसिलिटेशन हैं, अगर ये हम लोगों को बताएंगे नहीं yes. तो उसको अवेल करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए जो डिस्कवर पाकिस्तान है स्पेशली, बल्कि मैं तो एक दिन हैरान रह गया, मैं देख रहा था तुरबत पता नहीं कहाँ से एक डॉक्यूमेंट्री चल रही थी डिस्कवर पाकिस्तान, एंड आई वाज सरप्राइज, वो इतनी खूबसूरत जगह है, हमने इतने सालों में मैं बीइंग प्रोफेशनल कभी नहीं देखी थी। Exactly, हम मैसेज नहीं कर पाए। Exactly, हम तो ये जो डिस्कवर पाकिस्तान ऐसी जगह आइडेंटिफाई कर रहा है, ये सिर्फ पब्लिक के लिए अवेयरनेस नहीं है, बल्कि ये हुकूमत के लिए भी इतना अच्छा डाटा उनको प्रोवाइड कर रहा है कि ये ऐसी डेस्टिनेशन है, आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, आप इन पर थोड़ा इन्वेस्ट करें और आप इनको ऐसी अच्छी डेस्टिनेशन बनाएं कि लोग यहाँ पे आ जाएं। तो हैट्स ऑफ टू डिस्कवर पाकिस्तान। थैंक यू सो मच डॉक्टर कामरान, बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की, बल्कि बहुत कुछ सीखा है हमने आपसे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आपने डिस्कवर एक्सक्लूसिव को देखा। आपने हमें अपना फीडबैक ज़रूर देना है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जिस तरह से हमने आज शेयर की, हमने आपको बताया कि GB गवर्नमेंट टूरिज़म की प्रमोशन के लिए क्या कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से नए टूरिस्ट जो रिजॉर्ट्स हैं, जो जोन्स हैं, वो कायम किए जा रहे हैं, और बहुत कुछ टूरिज़म से रिलेटेड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ी सी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि जब भी हम इन खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर जाएं, इनकी हिफाजत करें, इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, कोशिश करें कि हम वहाँ पर गंदगी ना फैलाएं, और यही करके हम जो है वो अपनी न सिर्फ जिम्मेदारी निभाएंगे बल्कि पाकिस्तान के लिए बहुत एक पॉजिटिव काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मुझे अपनी होस्ट अंबर कुरैशी को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।